पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के प्रशिक्षण में 16 बिंदु में से 2 बिंदु राज्य सरकार के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नाना घोटाले में SIT का गठन किया गया है, लेकिन उसकी जाँच के लिए नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट पहुंचकर स्टे ले लिया था। आगे और क्या कुछ कहा है CM ने, आइए आपको सुनवाते हैं। के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है? नान घोटाला हुआ, SIT गठन किए और उसकी जांच के रोकने लिए कौन गया? हाईकोर्ट कौन गया है? नेता प्रतिपक्ष गए और उन्होंने स्टे लिया है, तो ये तो खुद ही नहीं चाहते।